तो क्या ऐसा कोई शॉर्टकट उपाय, कोई प्रैक्टिस है जिससे करके दाहिने हाथ के साथ साथ बाएं हाथ से भी लिखा जा सके? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। एक छोटा बच्चा जो पहली बार स्कूल जाता है और वो सिर्फ पेंसिल पकड़ना जानता है, कुछ अक्षर लिखना नहीं जानता, तो ABCD या क ख ग लिखवाने का प्रैक्टिस कराने से पहले क्या प्रैक्टिस करवाना पड़ता है जिससे वो सारा कुछ आसानी से सीख जाए? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रैक्टिस जो है वो दो लाइन वाला, जिसमें जनरली हिंदी लिखा जाता है, उस कॉपी से शुरू करते हैं। पहला प्रैक्टिस ये है, ऊपर वाली लाइन से एक डॉट बना के नीचे वाली लाइन में एक डॉट बना के इसको जोड़ना सीधा। चलिए, पहला बेसिक प्रैक्टिस हो गया ये। उसके बाद क्या, चार लाइनों वाली इंग्लिश कॉपी लेंगे और उसमें जो प्रैक्टिस करना है वो आप देखें। ये ऊपर का पहला लाइन, इसमें सीधा इस तरह बनाएंगे। दूसरा लाइन, इसमें बनाने का प्रैक्टिस करना है। ये तीसरा लाइन, इसमें भी इस प्रकार से प्रैक्टिस करना है। अगर आप बाएं हाथ से लिखने का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसे बाएं हाथ से लिखें, वो प्रैक्टिस होता चला जाएगा। अब तीसरा प्रैक्टिस जो है उसके लिए ये स्क्वायर वाला, बॉक्स वाला कॉपी चाहिए जो जनरली मैथ्स के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें पहला प्रैक्टिस है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक लाइन ड्रॉ करना। अब हम करेंगे चौथा प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस है इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक सीधा लाइन ड्रॉ करना, मिलाना। ये सिंपल है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक लाइन ड्रॉ करना है, इस कॉर्नर से इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ करना है। अब हम करेंगे छठा प्रैक्टिस, इस प्रकार से हाफ सर्कल ऐसा बनाना है। इस कॉपी में इस तरह से प्रैक्टिस करना है। कॉपी में बॉक्स में इस प्रकार से बनाएंगे। कॉपी में इस प्रकार से ऐसे ड्रॉ करते जाना है। ये हो गया नाइन्थ प्रैक्टिस। अब हम करेंगे टेंथ प्रैक्टिस, जो दसवां प्रैक्टिस है वो भी देख लें, वो इस प्रकार से बनाएंगे। कॉपी में इस प्रकार से प्रैक्टिस करना है। मेरे वीडियोस बराबर आपके काम आएंगे, मेरे वीडियोस बार बार आपको यूट्यूब पे ढूंढना ना पड़े, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल अक्षरों में नीचे सब्सक्राइब लिखा है, उसे दबा दें। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करें। ये 10 बेसिक सिंबल्स प्रैक्टिस करने के बाद वापस चार लाइन वाली इंग्लिश कॉपी लेंगे और उसमें जो है अब इस प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे। इस प्रकार से बनाने का प्रैक्टिस करना है। इससे इंग्लिश राइटिंग जो है वो और स्मूथ हो जाएगा। अगला प्रैक्टिस जो है वो इस प्रकार से करेंगे। ऊपर लाल लाइन और नीचे लाल लाइन जो है वो दोनों रेड लाइन को छोड़ देंगे, बीच वाली लाइन में लिखेंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिस चार लाइन में करेंगे, वो इस प्रकार से। नेक्स्ट प्रैक्टिस जो है वो आप देखें, कुछ इस प्रकार से। नेक्स्ट प्रैक्टिस वो
वापस इसे घुमाएंगे, फिर यहाँ पर ऊपर लाइन ले जाएंगे, फिर नीचे घुमाएंगे, फिर यहाँ से वापस लेकर जाएंगे, यूँ वापस घुमाएंगे, फिर इसको पूरा करेंगे, फिर इसे नीचे यूँ से ऊपर लाइन तक जाएंगे, फिर इसे यूँ घुमाएंगे और फिर इसे यहाँ पर लाके इसे छोड़ेंगे। ये प्रैक्टिस भी इंग्लिश में आपको और स्मूथ हैंडराइटिंग के लिए मदद करेगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।